हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। मैं पंकज कुमार गुप्ता। आज हम लोग साइंस के बेस्ट 10 इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे जो आपको जानने के लिए बेहद उत्सुक कर देगा। चलिए हम जानते हैं। पहला फैक्ट, अगर आप क्यूकम्बर का एक छोटा सा टुकड़ा अपने टांगों के हेल्प से रूप के टॉप पर रखेंगे 90 सेकेंड तक, तो आपके मुंह से आने वाला बैड स्मेल समाप्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्यूकम्बर से निकलने वाला फाइटोकेमिकल्स आपके अंदर प्रेजेंस बैक्टीरिया को मार देगा, समझे। फैक्ट नंबर सेकेंड, क्या आप जानते हो कि अगर एक एंट मर जाती है तो उसके पीछे पीछे डिफरेंट एंट्स आते हैं जो उसको उठाते हैं और वहाँ से दूसरी जगह ले जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक एंट मरती है तो उसके शरीर से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसका नाम है ऑयलिक एसिड। ये ऑयलिक एसिड दूसरे एंट को बताती है कि ये डेड हो गया है और यह हमारे लिए डेंजरस है, कंटेमिनेटेड है, जिसके कारण जो क्यून एंट होती है उसको भी दिक्कत होने लगेगी। इसलिए वह इसको वहाँ से हटाकर दूसरे जगह ले जाते हैं जिसको हम सेमेट्री बोलते हैं, वहाँ पर ले जाकर छोड़ देते हैं, जिसके कारण इनका लाइफ बचा। अगर ये केमिकल्स किसी जीवित एंट पर छिड़क दिया जाए तो बाकी एंट जिन पे ये नहीं छिड़का गया है वो उनको ऐसा लगेगा कि ये मरे हुए एंट है और उनको ये मरा हुआ ट्रीट करेंगे। फैक्ट नंबर थर्ड, क्या आप जानते हो किसी ठंडे प्लेस या ठंडे या कोल्ड इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हमारे स्किन के ऊपर जो हेयर होता है वो स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही हम उस प्लेस पर जाते हैं तो हमारा स्किन इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने लगता है, रीमेंटेन करने लगता है, जिसके कारण स्किन से सटे हुए मसल्स वो कंटेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही कंटेक्ट होते हैं तो हमारा स्किन के ऊपर लगे हुए हेयर इरेक्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी वाटर से वो वाटर इजली यहाँ से इवापोरेट होकर बाहर निकल जाए, जिसके कारण स्किन का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, इसलिए आपके बाल वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। फैक्ट नंबर फोर, क्या आप जानते हो सनफ्लावर प्लांट्स को अगर हम उस जगह पर लगा देते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर बम फेंका गया या कोई रेडिएशन है मिट्टी में, तो उस रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ दिनों बाद वहाँ की मिट्टी एकदम प्योर हो जाएगी, बिना रेडिएशन वाली मिट्टी, और वो प्रोडक्टिव मिट्टी हो जाएगी। इसलिए सनफ्लावर यहाँ पर फायदेमंद है। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आप जानते हो सैटर्न और जुपिटर पर डायमंड रेन की बारिश होती है, यानी डायमंड की बारिश होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर पाया जाने वाला मीथेन से निकलने वाला कार्बन पार्टिकल्स, जिसको कार्बन सूट पार्टिकल्स बोलते हैं, वो जैसे जैसे नीचे आता है तो वहाँ पर हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है, जिसके कारण ये कार्बन सूट पार्टिकल जो कि गैस होते हैं धीरे धीरे कंडेंस होकर लिक्विड बन जाते हैं। फिर जैसे जैसे नीचे आता है तो वहाँ पर इतने हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण वो कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में, और जिसके कारण वहाँ पर बारिश होती है डायमंड रेन की। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आप जानते हो पर डे 274 बनाना खाते रहे लगातार 7 ईयर्स तक तो हमें एक बीमारी घेर लेगी जो कि रेडिएशन की बीमारी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बनाना में पाया जाता है पोटेशियम जो कि स्लाइटली रेडियो एक्टिव होता है, क्योंकि पोटेशियम का उसमें आइसोटॉप्स पाया जाता है K40 करके, और यह इतना रेडियो एक्टिव है कि अगर आप इसे 7 ईयर्स तक लगातार खाते रहो तो आपके शरीर में क्रॉनिक सिम्पटम डेवलप होने लगेंगे, जिसके कारण आपका शरीर उस बीमारी से झेलने लगेगा। नंबर सेवन, क्या आप जानते हो जो लैंड वाले एनिमल्स होते हैं वो मे नॉट बी एबल, वो एबल नहीं हो सकते हैं अपना जगह ढूंढने में जिस जगह पर थे पहले, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं वो एबल हैं अपना जगह ढूंढने के लिए, अपना जगह खोजने के लिए जिस जगह पर थे पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर लेते हैं, जिसके हेल्प से वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, नेविगेशन कर लेते हैं। फैक्ट नंबर एट, क्या आप जानते हो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में या पूरे अर्थ पे जो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा पार्ट है
वो कहाँ से आता है? वो हमारे ओशियन से आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें पाए जाने वाले फोटोसिंथेसाइजर प्लांट जैसे कि सी वुड और प्लैंकटॉन्स, ये हमारे पूरे अर्थ का ऑलमोस्ट 50% से एबव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, समझे। नंबर 9, क्या आप जानते हो ईफिल टावर गर्मी के दिनों में ठंडे के दिनों के कंपेरिजन में आधा फुट इंक्रीज कर जाता है, यानी हाफ फिट 6 इंच। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही गर्मी का दिन आता है तो जो भी उसमें स्टील या मेटल लगे हुए हैं वो हीट के कारण एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं, उनके मॉलिक्यूल दूर भागते हैं, जिसके कारण वो गर्मी के दिनों में उसकी हाइट 6 इंच बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 10, हाल ही की रिसर्च में यह पता चला है कि अगर आप एक किसी कॉटन कपड़े को नॉर्मली जलाते हो तो जल जाता है, लेकिन उस कॉटन कपड़े के चारों तरफ डीएनए की अगर हम कोटिंग कर देते हैं, डीएनए हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक जेनेटिक मटेरियल या केमिकल है जो सेल के अंदर होता है, यह ऐसा काम करेगा कि जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो डीएनए गर्म के कारण उसमें पाए जाने वाला फॉस्फेट केमिकल वो फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फॉस्फोरिक एसिड उस कॉटन के कपड़े से वाटर के मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट बाहर निकालेगा, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हीट को आग लगने नहीं देंगे उसमें, और साथ में डीएनए में पाए जाने वाला एक बेस नाइट्रोजन हीट के कारण वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, और वो अमोनिया इन गैसेस को रोकता है जो इसमें कॉटन में आग लगाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर आग लग नहीं पाता है और कॉटन हमारा सेफ बचा रहता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको फैक्ट कैसा लगा जो कमेंट करें। अगर चैनल पर मेरे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फ्रेंड के बीच में शेयर करो।